रहीम। आज हम लोग मॉडर्न पर्शियन लिटरेचर, अदबियात जदीद फ़ारसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन के दौरान जो लिटरेचर ईरान में रहा उससे मुतालिक कुछ बातचीत अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम मॉडर्न पर्शियन लिटरेचर यानी अदबियात जदीद फ़ारसी के बारे में कुछ आपसे शेयर करें, एक दो चीज़ें ये समझने की ज़रूरत है कि क्लासिकी अदब और जो जदीद अदब है उसका फ़र्क क्या है और वो ट्रांजिशन कहाँ से है, किस तरह से वो ट्रांजिशन है, क्यों है, कैसे है, उसके असबाब क्या हैं, और फिर ये कि व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ मॉडर्न पर्शियन लिटरेचर स्पेशली प्रोज। तो इस आज के छोटे से वीडियो में हम इन्हीं बातों के इर्द गिर्द अपनी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि जब कभी भी मॉडर्न पर्शियन लिटरेचर की बात हम लोग करेंगे तो हमारे जहन में काचारियन पीरियड आएगा। काचारियन पीरियड इसलिए आएगा कि उससे पहले का जो पीरियड है ईरानियन लिटरेरी हिस्ट्री का, जो कि सफवी पीरियड है, वहाँ के बाद से एक ट्रांजिशन फेज़ है। और वो ट्रांजिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान तक महदूद है, है ना। आप वर्ल्ड की हिस्ट्री का एनालिसिस करिए अगर, तो आप देखेंगे कि कैसे एंशिएंट टाइम्स से मीडियवल टाइम्स का ट्रांजिशन है और कैसे मीडियवल टाइम्स का मॉडर्न टाइम्स का ट्रांजिशन है। हम पीछे की बातों को बिल्कुल छोड़ते हुए अपने टॉपिक से स्टिक करने की कोशिश करेंगे और मैं सिर्फ एक दो बातों की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि ये जो टाइम फ्रेम है तकरीबन 1750 के बाद का जो पीरियड है वर्ल्ड में, वो पीरियड ऐसा है जहाँ पर के लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रही है ना। आप हिस्ट्रीज़ को पढ़ें, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, रशिया में देखें क्या हो रहा है ना, पूरी दुनिया में, और वो सब चीज़ें क्यों हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है ना, और उसकी वजह से इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन तेज़ी से हो रहा है, प्रेस की ईजाद की वजह से, व्हील्स की वजह से, है ना। और फिर हो क्या रहा है, इससे पहले वाले फेज़ में यह था कि जो रूलिंग क्लास था और जो आपका रिलीजियस क्लास है वो हर जगह इतना डोमिनेंट है कि उसकी अथॉरिटी है और लोगों का से एसच है नहीं। तो ये छोटी कुछ बातें हैं जिसका हमें जहन में रखना चाहिए। अब जैसे क्लासिकी फ़ारसी अदब का अगर आप मुहासबा करें, देखें, बड़े बड़े नाम आप कोई भी ले लें, उसके टॉपिक को एनालाइज करें, तो आपको क्या लगता है, आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोग दरबार से एसोसिएट रहना चाहते थे, ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो स्पेसिफ़िक होती थी ख़ास लोगों के लिए, ख़ास तबके के लिए। या तो हम मज़हब से मुतालिक बातें कर रहे हैं, या हम तारीख से मुतालिक बातें कर रहे हैं, या हम दरबार से मुतालिक बातें कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा नहीं है जो, मतलब ये जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह मिल सकता है, लेकिन आम तौर पे आपको जो मर्दुमे आम्मा है, द पीपल्स वॉइस जो है, दैट इज़ मिसिंग। और यही हुआ है मॉडर्न पर्शियन लिटरेचर में कि उसके बाद से ट्रांजिशन फेज़ आता है जहाँ लोगों ने, जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, उन्होंने दे हैव टेकन अपॉन देमसेल्व्स टू बी द वॉइस ऑफ द पीपल, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द कल्मिनेशन इन ईरानियन हिस्ट्री, है ना। ईरान की तारीख में वो एक तरह से उसकी औज है। वो होता क्या है, होता ये है कि लोग डिमांड करते हैं अपने आवाज़ की, आइन की, है ना। और 1905-6 में वहाँ मजलिस का क़्याम हो जाता है। मजलिस से मुराद पार्लियामेंट है ना, ईरानियन पार्लियामेंट का ये होता है। तो ये तो सोशियो पोलिटिकल डेवलपमेंट से, आइए अब लिटरेचर से उसको जोड़ के देखते हैं। लिटरेचर में क्या हो रहा है, लिटरेचर में ये हो रहा है कि लोगों के इंटरेक्शंस बन रहे हैं, वेस्ट में लोग जा रहे हैं, है ना। ईरान में आप देखेंगे दारुल फ़नून 1268 कमरी में, यानी 1851 एडी का ये फिनोमेनन है, दारुल फ़नून का क़्याम होता है। काचारियन पीरियड है उसमें जो है वो, उसका मकसद ये था कि वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए। अब जाहिर है उसमें जो शहजादे होते थे या जो एलीट क्लास होता था वो उसके लिए बना, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उसमें हो रहा है कि यूरोपियन ट्रेनर्स आ रहे हैं, लोग जाके नई नई
चीज़ों को सीख रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस हो रही है ना, और वहीं पे ट्रांसलेशंस का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। वेस्ट में जो राइटिंग्स हैं उसका ट्रांसलेशन भी शुरू हो रहा है पैरेलली, और किस तरह के लोगों को, डेनियल डिफो है ना, रॉबिन्सन क्रूसो आप जानते हैं, अलेक्जेंडर डूमा है ना, क्रेस्टो, जोनाथन स्विफ्ट, इन सब लोगों की राइटिंग्स का ट्रांसलेशन हो रहा है। और वो ट्रांसलेशंस कहाँ की राइटिंग्स का हो रहा है? वेस्ट का। और आप सब जानते हैं कि वेस्ट में किस तरह से अवेयरनेस थी, है ना। एक चीज़ और हमें खास ख्याल रखना चाहिए, एक और चीज़ का, कि इसी टाइम, दैट इज़ द टाइम फ्रेम जब हमारा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ईजाद हो जाता है। और प्रिंटिंग प्रेस जो है, नॉट सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि ईरान के बाहर से भी लोग लिखते हैं, और वो ईरानियन जो माइग्रेट करके बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वो लोग भी लिख रहे होते हैं। बर्लिन, लंदन, पेरिस, एकदम बगल में मिला हुआ तिफलिस है ना, जॉर्जिया का जो कैपिटल है, वहाँ पे रशिया के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से उस तरफ से है ना। तो एक तरह से वेव ऑफ राइटर्स हैं, जो कुछ लोग तो ईरान में रहते हुए इस ट्रेंड को आगे लेके आने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो बाहर से इस काम को कर रहे हैं, है ना। तो ये वो टाइम फ्रेम है जब ये, हम जब उस दौर के लिटरेचर के बिल्कुल शुरुआत के मॉडर्न पर्शियन प्रोज के ट्रेंड की बात करेंगे, तो उसमें कुछ नाम हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को याद कर लेना चाहिए, याद रखना चाहिए, है ना। वो कौन से नाम हैं? आप देखिए, सरगुजश्ते हाजी बाबा अस्फहान, मिर्ज़ा हबीब अस्फहानी है ना। 1295 कमरी यानी 1878 ईस्वी में मिर्ज़ा फ़तेह अली आखुनज़ादे हैं। ये एक दास्तान यूसुफ शाह लिखते हैं, जिसको कहा जाता है कि फारसी अफसानवी अदब का ये एक पहला है ना अव्वली नमूना है। मिर्ज़ा मलकम खान है, मिर्ज़ा आका खान किरमानी हैं, ज़ैनुल आबिदीन मरागई हैं, अब्दुल रहीम तालेबोफ हैं। ये जो कुछ नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, इनकी राइटिंग्स का मुताला कीजिए, क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और क्या ख़ास बात हुई, इनकी राइटिंग्स का क्या असर हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये था, सादगी ज़बान। मैंने एक बात जिक्र किया था बिल्कुल शुरू में, ट्रांजिशन की बात की थी मैंने, कहा था कि सफवी दौर के खात्मे तक जो है एक तरह से पर्शियन लिटरेचर में डाउनफॉल का ट्रेंड था, और उसकी वजह यह थी कि इम्प्योरिटीज़ बहुत आ गई थी लैंग्वेज में, है ना। मतलब जो फारसी की असली रूह थी, जबान थी, उसमें इतना ज़्यादा मिक्सअप हुआ था। जो ट्रेंड, आप फिर, मैं सोशियो पोलिटिकल हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, वरना आप जानते हैं कि कॉलोनियल ट्रेंड जब शुरू हुआ, जैसे आप हिंदुस्तान में देखते हैं अंग्रेज़ों ने हमला किया, उसी तरह से कॉलोनियल पावर्स ने ईरानियन मेन लैंड पर भी कंट्रोल करना शुरू किया। वहाँ बहुत सारे कॉन्सेशंस दिए ईरानियों ने, काचारी जो बादशाह थे उनके अपनी ऐशो इशरत, करप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। रशियंस ने मतलब कुछ लैंड के अपने राइट्स ले लिए, ट्रीटीज़ कुछ ऐसी की जिसमें कि एक्सप्लाइटेशन शुरू हो गया लोगों का। तो इन सब चीज़ों के अलावा क्या हुआ, फ्रेंच भी आ गए, जर्मन्स भी आ गए, तो जो ज़बान थी वो ज़बान में भी इम्प्योरिटी आ गई। तो जो सबसे पहला काम शुरू हुआ वो हुआ सादगी ज़बान का, मतलब ज़बान को सिंप्लीफाई करने की लोगों ने कोशिश की, और उस कोशिश में किताब अहमद और मसालिकुल मुस्लिमीन, मसालिकुल मोहसिनीन जो तालेबोफ की किताब है, अब्दुल रहीम तालेबोफ की, वो एक पाथ ब्रेकिंग किताब है ना। फिर सियाहतनामा इब्राहिम बेग जो ज़ैनुल आबिदीन मुरागई हैं, वो एक तरह से सियाहतनामा है ना लिखते हैं। ये तारीखी नावल, आप एक तरह से नावल का फॉर्म है, 3 वॉल्यूम्स में है। इसमें जो मतलब उसके जो मुशाहदे हैं, वो उस वक्त जो ईरान की सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं उसका जो डिपिक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और जब वो लोगों के सामने जाता है तो लोग पढ़ के फिर सोचते हैं कि उफ, ये चीज़ें तो हो रही हैं, हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, और हम सब उसको देख ही नहीं पा रहे। कुछ ऐसे सफ़रनामे हैं जो लोगों ने लिखे हैं, सफ़रनामे फरंगिस्तान जो नासिरुद्दीन शाह के खुद की है, सरगुजश्ते सफ़र मक्का अमीनुद्दौला की है। ये वो तसानीफ़ हैं जो बिल्कुल शुरू में राइटर्स ने लिखना शुरू किया था। हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि ये जो राइटिंग्स हो रही हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या काम कर रहा है। उसके पीछे रीज़न है इस्लाह माशरा। आप, मैंने कहा था आपसे कि हमें ये याद रखना चाहिए कि डिस्टिंक्शन क्या है क्लासिकी फ़ारसी अदब और जदीद फ़ारसी अदब में। तो जो एक मेजर डिस्टिंक्शन है वो ये कि इस में जो तसानीफ़ हैं उसका मकसद जो है वो महज तख्लीक नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट टू बी क्रिएटिव एंड टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड। वट डू दे वॉन्ट? दे वॉन्ट टू चेंज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं। बहुत आज़ादी अगर नहीं है तो सिम्बॉलिक वे में ही कर रहे हैं। मैं एक आध आपको स्टोरीज बताऊंगा, आपको बहुत
मज़ा आएगा उनको सुन के। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता सकता हूँ कि किस तरह के टॉपिक्स उन्होंने उठाए। दो तीन और बिल्कुल शुरुआती दौर के दो तीन और राइटिंग्स का मैं जिक्र कर दूँ और फिर अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं। मिर्ज़ा बाकर खुसरवी, उनका एक नावल था शम्स तुगरा। उन्होंने ईरान की जो 13वीं सदी जो थी, जिसमें मंगोल का हमला हुआ है, उसकी एक बहुत बेहतरीन तस्वीर खींचने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि जो ईरान की अपनी चीज़ें हैं वो खो गई कहीं ना कहीं, है ना, बाहर वालों ने आके उसको किया। और वही कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाहर के फोर्सेस, कॉलोनियल फोर्सेस ईरान में आ रहे हैं जिनको हम राइट्स दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आज के हाल तो लिख रहा है आदमी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, लेकिन पोर्ट्रेल जो हो रहा है वो उस टाइम का है। तो इतना पैरेलल लोग ड्रॉ कर रहे थे। इश्क़ो सल्तनत जो यूरोपियन तर्ज पे लिखा गया पहला ईरान का नावल है, शेख मूसा नसरी का है ये बहुत ब्रिलियंट पीस है। और इसमें जो है महन परस्ती यानी वतन परस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए इसमें अपनी बात कहने की कोशिश की गई है। ये एक और नावल है दाम गुस्तरान के नाम से, जो अब्दुल हुसैन सनती ज़ादा की है और जिसका पहल जिसकी पहली किस्त जो है मुंबई में पब्लिश हुई है 1922 में, है ना। तो इस तरह की राइटिंग्स जो है, ये सब तारीखी नावल्स से शुरुआत होती है ईरान में और एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है वो, लोगों से मुतालिक बातें की जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं जो मुआशरती हैं, जिसमें सोशल इश्यूज का जिक्र किया गया। और जब हम, ये एक अपने आप में बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, इस पर एक अलग से लेक्चर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि उसमें वो कौन लोग थे। तेहरान मखूफ पहला एक उस तरह का नावल था मुआशरती, जो मुर्तज़ा मुशफ़िक़ काशानी का था। और उसमें जो है उस ज़माने में जो इश्क है सोसाइटी के अंदर, लव अफेयर है, लालच है, खुद फरोशी यानी आप देखें जिस्म फरोशी, खुद फरोशी, फाहिशागिरी, इन सब चीज़ें जो ईरान के अंदर ख़ास तौर से तेहरान में जो राइज हो गई थी, उसका एक क्लियर कट पिक्चराइजेशन। तो आप देखिए कि फ्रॉम सिम्बॉलिक टू अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ दी सोसाइटी ये मूव हो रहा है। औरतों के मसाइल तो बहुत खुल के आए हैं, इस पर अलग से बात की जा सकती है। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है सादिक हिदायत की और उसके पुश्ते पर्दा, और फिर मैं आपको बताता हूँ। उसमें कुछ इस तरह से है वो शॉर्ट स्टोरी कि उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर, वो मदरसे से पढ़ाई करके अब छुट्टी वहाँ पे घर जा रहा होता है, उसकी शादी लगी होती है, बीच में एक शॉप पे देखता है, मैनिक्विन उसको देखती है जो कपड़ों से ढकी होती है, मैनिक्विन को देखता है, बहुत देर तक निहारता है, फिर अंदर घुसता है और मैनिक्विन खरीदने की कोशिश करता है। जो उसके पास बचे कुछ पैसे होते हैं उसके, उससे वो उस मैनिक्विन को ख़रीद लेता है। अल्टीमेटली ख़रीद के घर जाता है। फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ता हूँ, बिल्कुल मुद्दे पे आके आपसे बताने की कोशिश करता हूँ कि उसको ला के अपने घर में रहता है और उससे अपनी सारी दिल की बातें करता है रोज़ाना, कभी शराब भी पी लिया और फिर अपने दिल की जो बातें हैं वो उससे शेयर कर रहा होता है। इसी बीच उसकी शादी भी हो जाती है, उसकी दुल्हन जब आती है तो वो बिस्तर पे सज के उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो अपने कमरे में जो कॉर्नर में जिस मैनिक्विन को रखा होता है जिस तरह से सजा के, फर्स्ट नाइट को भी आता है और अपनी वाइफ की तरफ मुखातब ना होकर उसको देखता है, उसको प्यार करता है, उसे अपने दिल की बातें करता है, आज तो मेरी पहली रात है, और फिर इस तरह की बहुत सारी बातें। और फिर वो वहीं से बेखबर फिर अपने बिस्तर पर आके सोता है और फिर चला जाता है। ये वाकया दो तीन दिन तक होता रहता है। उसकी वाइफ को एक आइडिया आता है कि क्यों ना रिप्लेस कर लूँ, कम से कम इसी बहाने मुझे वो प्यार मोहब्बत अपनी बातें करेगा। उसको रिप्लेस करता है वो औरत, उसका लिबास पहन के कोने में खड़ी हो जाती है। अगले दिन वो फिर उस कमरे में दाखिल होता है और फिर उसी तरह से देख के उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, बातें करता है, उसको टच करता है, उसको फील करने की कोशिश करता है। ही इज़ अनअवेयर दैट इट्स नॉट मैनिक्विन टुडे, इट्स हर वाइफ। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उस वाइफ उसके किसी भी, हो सकता है इट इज़ बिकॉज ऑफ टच, हो सकता है उसकी किसी बात पे उसको हल्की सी स्माइल आती है। एंड दिस स्माइल, है ना, उसके लबखंद का इस्तेमाल किया है राइटर ने। और लबखंद आते ही वो पीछे पलटता है, अपने उस पे बंदूक निकालता है, उसको उठाता है, उसको शूट कर देता है, एंड द स्टोरी एंड्स देयर। और ख़त्म हो गई कहानी। बहुत सिंबॉलिक है, आप अगर इसको परसीव करना चाहें तो व्हाट इज़ द मैसेज देयर। मैसेज ये है कि उस सोसाइटी में औरत तभी तक आपको अच्छी लग रही है जब तक उसके लब नहीं हिल रहे हैं। लब खंद, स्माइल आई और आपने उसको किल कर दिया। तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ वुमन। अब देखिए कि ये जब राइटिंग पढ़ी जा रही है तो ईरानियन सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है। मैं अपनी बात इस तरह की बहुतेरी राइटिंग्स, हर राइटिंग्स में कुछ ना कुछ मैसेज है और वो किया जा रहा है। तो मेरे जो कहने का मकसद है वो ये
कि इस पीरियड की जो राइटिंग्स हैं उसकी खास तीन बातें स्टूडेंट्स उसको याद कर लें, आज़ादी, हक और अदालत, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव योर लाइफ, फ्रीडम टू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। उसके बाद हक, राइट्स की डिमांड्स हैं, औरतें अपने हकूक की बात कर रही हैं, उसका एक पूरा का पूरा डिपिक्शन है, मजदूरों के हकूक की बात हो रही है, दूसरे लोगों के हकूक की बात हो रही है, ऑफिसेज में करप्शन इज एन इशू, है ना, फिर ये, और इंसाफ, इन तीन चीज़ों के बीच में बातचीत की जा रही है, राइटिंग्स इसी के इर्द गिर्द हैं। राइटिंग्स जो है न्यूज़पेपर्स का उसमें बड़ा रोल है, शॉर्ट स्टोरीज का एक ट्रेंड शुरू होता है, बगैर जमालजादा का नाम लिए, सादिक हदायत का नाम लिए, सादिक हदायत की एक स्टोरी का मैंने जिक्र किया, हिजाजी, सईद नफीसी, ये वो लोग हैं जो मॉडर्न पर्शियन प्रोज राइटिंग के की बड़ी 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 पर्सनालिटीज़ कही जाती है। जमालजादा जो है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इन ईरान कहा जाता है, और उसने जो है वो एक ट्रेंड बिल्कुल शुरू कर दिया शॉर्ट स्टोरीज लिखने का, यके नबूद यानी वंस अपॉन अ टाइम, छः शॉर्ट छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज उसने लिखी और वो एक ट्रेंड हो गया वहाँ, है ना। शायरी से मुतल्लिक एक छोटी सी बात और मैं अपनी बात ख़त्म करूँ कि कॉन्स्टिट्यू ये जो मूवमेंट है इस दौरान में आज़ादी को इस हद तक लोग लेके गए कि उन्होंने कहा कि यार रदीफ कादिर का काफ़िए की पाबंदी और उतना ही बड़ा बड़ा रख के क्यों चल रहे हो तुम, ठीक है, तो ब्रेक दैन चेन, और लोगों ने उस चेन को भी तोड़ दिया, है ना। तो आज़ाद नज़में कहने का सिलसिला शुरू हो गया, और नीमा यूशवीज जो है वो उसका फादर है एक तरह से, उसने ये ट्रेंड शुरू कर दिया। तो जमालज़ादा पोइट्री में और जमालज़ादा प्रोज में और नीमा यूशीज पोइट्री में, ये सब आप देखिए कि आज़ादी को किस लेवल पे ले जाके सोच रहे हैं, अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो थीम्स हैं जो आपको मॉडर्न पर्शियन लिटरेचर में, ख़ास तौर से इस पीरियड के लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके आप नमूने हैं, कुछ बुक्स मैं एंड में प्रेस्क्राइब कर देता हूँ, अस्सबाता नीमा व नीमा ता रोज़गारे मा, फ़ारसी में बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ज़हूरुद्दीन अहमद की किताब है और रज़िया अकबर की किताब है, ये उर्दू में है, तो जो राइटर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स उर्दू में पढ़ना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और इंटरनेट सोर्सेज, द वर्ल्ड इज़ टू ह्यूज, आप उसमें यू डेल्व इन टू इट एंड यू ट्राई टू फिगर आउट वट वॉज बींग रिटन एंड वाई वॉज दोज थिंग्स बीन रिटन। तो मेरी आज की बातचीत बस इतनी ही, अगले क्लास में फिर किसी और मौजू पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग विथ सो मच ऑफ केयर। थैंक यू सो मच।